हाल ही में 19 नवंबर की रात 11 बजे जिले के बिलवा गांव के एक 25 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से हुई मौत ने सभी को चौंका दिया। युवक का नाम सत्यम सिंह था। इन दिनों हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या जिले में लगातार बढ़ रही है। रीवा संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय से मिले आंकड़े के मुताबिक जिले भर में एक महीने में तकरीबन 300 से 350 हार्ट के पेशेंट अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रत्येक महीने जिले में तकरीबन 25 से 30 व्यक्तियों की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। इनमें से कई युवा नौजवान भी होते हैं। अधिकांश यह बात सामने आती है कि वर्कआउट के दौरान भी हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। रीवा में भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ठंड के समय वर्कआउट के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए से हार्ट अटैक के खतरे को कम किया जा सके। इस विषय को लेकर जब हमने मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एसके त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि एक्सरसाइज करना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन ठंड में कुछ लोगों को जिनके लाइफ स्टाइल सही नहीं है और फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम रही है, उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने बताया कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, जैसे दौड़ना, तेज चलना, साइकिल चलाना, बास्केटबॉल खेलना, डांस करना जैसे एरोबिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर एसके त्रिपाठी ने यह भी बताया कि तनाव, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे बीमारी की वजह से व्यायाम करते समय हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं बढ़ी हैं, क्योंकि अनियमितताओं की वजह से हमारा हार्ट हेल्दी नहीं होता है। इसलिए आराम से वर्कआउट लंबे समय तक करें, इससे अच्छी कैलोरी भी बर्न होगी और हार्ट अटैक का खतरा भी कम रहेगा। जी बिल्कुल, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा योगदान होता है। लाइफस्टाइल के साथ साथ आपका जेनेटिक प्रोफाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री, इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। थर्ड, आपका जो बेसिकली मनोदशा है, यानी आप बेसिकली कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर मिलके हार्ट अटैक कराते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई भी हट्टा कट्टा इंसान जो कि जिम में जा रहा है वो उसको हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया, तो हमें उसकी फैमिली हिस्ट्री का नहीं पता, जेनेटिक लेवल का नहीं पता, किस स्ट्रेस से गुजर रहा है ये नहीं पता है, तो हम अधूरी पिक्चर को देखते हैं और बोलते हैं कि जिम में गया, हार्ट अटैक आ गया। तो इससे जो है जनरल पब्लिक को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट में ध्यान दीजिए, डबल कम करने के लिए मेडिटेशन करिए। रूटीन एक्सरसाइजेस जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी हैं वो हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस। वेट लिफ्टिंग आपके हार्ट को जो है वो मजबूत नहीं करती, आपके मसल्स जरूर आपको बिल्डअप कर देगी, लेकिन हार्ट के हेल्थ के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। एरोबिक एक्सरसाइज बेसिकली अगर सीधी आसान भाषा में आप समझे तो वो एक्सरसाइज है जिसमें आपकी बॉडी कंटिन्यूस मूव करती है, जैसे है रनिंग है, जॉगिंग है, स्केटिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ऑल दिस एक्सरसाइजेज आर एरोबिक एक्सरसाइजेज। हार्ट अटैक इनफैक्ट जिम में ही नहीं, आपको किसी को भी हार्ट अटैक जो है कुछ परसेंट चांसेस तो सबको होते हैं कि हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। तो इससे ये हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम जिम जाना छोड़ दें या एक्सरसाइज करना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो रिस्क में ज्यादा हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके मम्मी पापा को यंग एज में हार्ट अटैक आ चुका है, या फिर मम्मी पापा को डायबिटीज या हाइपरटेंशन है या क्रोनिक डिजीजेस चल रही हैं, तो उनके बच्चों को ऐसा रिस्क ज्यादा है, तो वो अपना ब्लड वर्कअप 35 ईयर के बाद प्रॉपरली कराते रहें। और जिम में स्पेशली ऐसे लोग जो हैं जो ज्यादा रिस्क में हैं, वो जिम में जो है अपना लेवल जो है एक्सरसाइज का वो थोड़ा सा डाउन ही रखें, जैसे रनिंग करते हैं जॉग ट्रेडमिल में, तो उतना ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऐसे लोग ना करें, वो उसका स्पेशली ध्यान रखें। तो जो एट रिस्क लोग हैं वही उन्हीं लोगों के साथ मेरे हिसाब से ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पार्टीज में बहुत ज्यादा जाते हैं, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग ये उनका बैकग्राउंड में रहता है, साथ में वो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली तो ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। हमें उसकी जानकारी, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं रहता।